कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इको गार्डन की एक अनोखी सैर कराने के लिए लेकर के आए हैं। राजधानी का इको गार्डन में जो पार्किंग का हिस्सा है उसको सरकार ने धरना प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, धरना देते हैं, सरकार तक अपनी मांग पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर लोकतंत्र का, सुशासन की अगर असली तस्वीर देखनी है तो आपको एक बार इको गार्डन की पार्किंग में भी आना होगा। तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, विभिन्न समस्याएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धरना स्थल इको गार्डन को क्यों बनाया गया। बहुत पहले कभी राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन होता था, लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने विरोध प्रकट करते थे, जो कि लोकतंत्र का एक सबसे अनिवार्य और आवश्यक अंग है। वहां से हटा करके दूसरी जगहों पे लक्ष्मण मेला मैदान इत्यादि में शिफ्ट किया गया और अब वहां से काफ़ी दूर एक कोने में इको गार्डन की पार्किंग स्थल को धरना प्रदर्शन स्थल बना दिया गया। बहुत बहुत दिनों तक लोग यहाँ पड़े रहते हैं, हर एक मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और अगर कभी मजिस्ट्रेट को लगता है, सरकार को लगता है कि उनकी बातों को सुन लेना चाहिए, तो कोई एक अधिकारी आता है, SDM स्तर का, ज्ञापन लेता है और वापस चला जाता है। ये बेचारे भी 8 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन यहाँ रह करके जब अपनी पूरी ऊर्जा गंवा चुकते हैं और इनके मनोबल टूट जाता है, जब इन्हें लगता है कि यहाँ से सरकार नहीं कुछ सुनने वाली है, तो ये मायूस होकर के वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सही में देखा जाए तो ये एक पूरे देश की तस्वीर है, ये असली लोकतंत्र की तस्वीर है जो यहाँ इको गार्डन में दिखाई पड़ती है। किस तरह से, किन मजबूरियों में, किस बदहाली में लोग यहाँ आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकारें कुंभ में जा कर के स्नान करती रहती हैं। कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी देखने वाले नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश यहाँ पर सिमटा हुआ है और पूरे देश की तस्वीर यहाँ आपको दिखाई पड़ जाएगी कि जो लोग परेशान हैं, जो बदहवास है, सरकार जिनकी बातों को नहीं सुन रही है, वही मजबूरी में यहाँ पर आते हैं और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखने का काम करते हैं। ये ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी सरकारों के लिए भी है। हर एक सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो धरना स्थल में देखने के लिए ज़रूर किसी न किसी अपने मंत्री की ड्यूटी लगाए, ताकि वो ये तो देख सके कि जिस सुशासन का वो दावा कर रही है सरकार, वो कितना पटरी पर उतर रहा है, लोगों में, हज़ारों लाखों लोगों में ये असंतोष क्यों उपजा है, इसका क्या उपचार होना चाहिए, त्वरित विकल्प क्या दिया जा सकता है, या उनकी मांगों में कुछ है, तो कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी पैदा की जा सकती है कि देश की ये सूरत बदले। आज 30 जनवरी का दिन है, बापूजी की, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, पूरा देश उनको याद कर रहा है। उन्हीं को याद करते हुए आज नेशनल वॉच के भी मन में ये विचार आया कि जिस महात्मा ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अंग्रेजों जैसी इतनी बड़ी सरकार को परास्त करने का काम किया, आज वो हथियार इतना छोटा और बौना कैसे हो सकता है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां रोज वंदे मातरम के नारे लगते हैं। कोई भी सरकारी प्रोग्राम हो, वहां भले ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे लगते हों, लेकिन असली दिल से जयकारे यहाँ पर लगते हैं। यहीं पर वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बाबू, यहीं पर याद किए जाते हैं और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई याद की जाती है। तो आइए धरना प्रदर्शन की इस पावन भूमि को तिलक करते हुए सरकारों को सद्बुद्धि देने की कामना करते हैं। और दोस्तों, अगर आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में धरना प्रदर्शन करने की है, या आप धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, तो आपके सामने एक जीती जागती मिसाल इको गार्डन में शिक्षा मित्र हैं। आज 260 दिन हो चुके हैं उनको लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए। 260 दिन मतलब कि 10 दिन बाद इनके धरना प्रदर्शन को 9 महीने पूरे हो जाएंगे, 270 दिन और ठीक 100 दिन बाद एक साल पूरा हो जाएगा। इन लोगों ने, जो ब्राह्मण शिक्षा मित्र थे, उन्होंने अपने जनेऊ का परित्याग किया, जो महिला शिक्षा मित्र सुहागिन थी, उन्होंने अपने केशों का परित्याग किया और
जब ये किया तो उप मुख्यमंत्री निकल करके आए और एक कैबिनेट का एक मतलब एक कमेटी का गठन किया, हाई पावर कमेटी का, कि तुरंत निर्णय आएगा। कोई निर्णय नहीं आया। उसके बाद इन्होंने 18 जनवरी को फिर महाधरने का ऐलान किया। इतने दिन बीतने के बाद तो तुरंत मंत्री अनुपमा जायसवाल को भेज करके इनको शांत करने का, इनको ठहराने का काम किया गया। आज भी कोई नतीजा नहीं आया है। यह है लोकतंत्र की असली तस्वीर। आज बापू देख रहे होंगे, अगर इस हमारी इस खबर को देखेंगे, इस धरना स्थल को देख रहे होंगे, तो आज वो कितना रो रहे होंगे शायद वही जान सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का असली चेहरा तो केवल इको गार्डन में ही नज़र आ रहा है, जहां ये वीर भगत सिंह, रानी की लक्ष्मी की बाई, अपने अधिकारों, अपने हक को पाने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं।